हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम शुरू करेंगे कि मैं पूरा दिन में क्या क्या करती हूँ, वही सारा चीज मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप सबको गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैं सो के उठ गई हूँ, आपको दिखाती हूँ कि मैं सो के उठती हूँ उसके बाद मैं क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बिस्तर ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि सब कहते हैं कि जो काम जिस समय करना हो उसी समय कर लेना चाहिए, क्योंकि टालने से होता क्या है कि फिर कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे या थोड़े देर में कर लेंगे, ऐसा होता रहता है। इसलिए मैं सबसे पहले उठती हूँ तो पहले बेड ही ठीक कर लेती हूँ। तो आइए मैं सबसे पहले अपना बेड ठीक कर लेती हूँ। अब बेड तो ठीक हो गया, उसके बाद हम थोड़ा रूम का भी सफाई कर लेते हैं। तो थोड़ा पहले झाड़ू लगा लेते हैं। रूम की सफाई तो अब हो गई है, अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए। ब्लॉग में आप बने रहिए, तब तक मैं स्नान करके आती हूँ। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग में। मैं स्नान करके आ चुकी हूँ, अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मतलब नहाने के आने के बाद सबसे पहले सिंदूर लगाना चाहिए, तो मैं वो सिंदूर पहले लगा लेती हूँ। तो मुझे एक ही कप बनाना है, तो इसके लिए मैं पहले इतना पानी गरम कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, चाय बन गई है, तो आप देख सकते हैं कि मैं चाय पी रही हूँ। आप वैसे सोच रहे होंगे कि मैं दूध वाला चाय क्यों नहीं पीती हूँ, लेमन टी ही क्यों पीती हूँ। तो लेमन टी पीने से सेहत ठीक रहता है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि दूध वाला जो चाय होता है वो पीने से ज़्यादातर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती रहती है, इसलिए मैं हमेशा लेमन टी ही पीती हूँ। फ्रेंड्स, मैं लेमन टी तो पी चुकी हूँ, तो अब मैं बनाऊँगी खाना। तो खाना में आप देख सकते हैं कि पनीर का सब्जी मैं बनाऊँगी, के मैं काट के रखती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज पनीर का ही सब्जी मैं क्यों बना रही हूँ, तो आप देख ही सकते हैं कि अभी बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है, दूध अक्सर फटते रहते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि मेरा भी दूध रात में फट गया, तो मैं सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ, तो फिर मैं पनीर बना ली और अब मैं उसी का सब्जी बनाऊंगी। अक्सर आप देखते होंगे कि खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है, नींद आने लगता है, तो मैं उस टाइम को यूज करती हूँ। उस समय सोती नहीं हूँ, तो वैसे भी मतलब रूम पे 9 बजे तक वैसे पेपर आ जाता है, तो लेकिन मैं ऐसा करती हूँ कि खाना खाने के बाद ही पेपर पढ़ती हूँ। तो अभी मैं खाना खा चुकी हूँ, तो अब मैं थोड़ा सा पेपर पढ़ लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं पेपर पढ़ चुकी हूँ, तो अब वैसे भी नींद आना ख़त्म ही हो चुका है एक तरह से, तो अब मैं थोड़ा सा स्टडी कर लेती हूँ।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा सारा बुक रखा हुआ है, तो मैं अब पढ़ाई शुरू करती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या चीज़ की पढ़ाई करती हूँ, तो मेरा पीजी का एग्ज़ाम होने वाला है, इंटरनल एग्ज़ाम, तो मैं उसी की थोड़ा सा प्रिपरेशन करूँगी। मैं अभी पीजी के थर्ड सेमेस्टर में हूँ, तो आप देख सकते हैं ये पीजी का थर्ड सेमेस्टर का बुक है, तो मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि अभी शाम का वक्त हो चुका है, तो अब थोड़ा सा हम चांद दिखा लेंगे, थोड़ा सा पूजा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं यहाँ पे।